बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में मतदान का समय खत्म हो चुका है और छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे तक निर्धारित समय तक 67.48% मतदान हुआ है। तो लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, 67.48% मतदान हुआ है। दूसरे चरण में 70 सीटों पर आज वोटिंग हुई थी, मतदान का जो प्रतिशत है अब वो सामने आ चुका है, 67.48% मतदान छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में दर्ज किया गया है। तो इसके पहले मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार बात हो रही थी, ऐसे में अब कुल मिलाकर मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है और 67.48% मतदान हुआ है शाम 5 बजे तक। दोपहर 3 बजे तक कई जगहों पर 60% से ज्यादा मतदान का प्रतिशत सामने आया था, लेकिन कुल मिलाकर जो प्रतिशत अब सामने आया है वो 67.48% का मतदान होने की बात सामने आई है। तो शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो आ चुका है और मतदाताओं ने अपनी भूमिका का निर्वहन कर दिया है। अब 3 दिसंबर को यह स्पष्ट हो पाएगा कि जनता जनार्दन ने किसके सिर माथे पर राज तिलक किया है, लेकिन फिलहाल के लिए जो मतदान का समय निर्धारित था 5 बजे तक का, उस समय के अंतर्गत 67.48% मतदान छत्तीसगढ़ के रहवासियों ने कर दिया है, अपनी भूमिका का निर्वहन कर दिया है, अपना जनादेश ईवीएम में कैद कर दिया है। हालांकि जीत के सभी अपने अपने दावे हैं तमाम राजनीतिक दलों के, लेकिन मतदाताओं ने जिस तरह से ये वोटिंग की है उसके बाद 67.48% का ये जो आंकड़ा है ये सामने आया है। अलग अलग जगहों पर अलग जिलों में वोटिंग का परसेंटेज कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ का जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो 67.48% आया है। तो सत्ता संग्राम 2023 में हम आपको लगातार पल पल के अपडेट पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो मतदाता हैं उनका आंकड़ा भी आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की जो संख्या है कुल मिलाकर 1,63,14,479 मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 81,41,624, महिला मतदाताओं की संख्या 81,72,171, तृतीय लिंग 684, मतदान केंद्र 18,833, संगवारी मतदान केंद्र 700, महिला मतदान कर्मियों यहां पदस्थ किए गए थे। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये मतदान चला है और 67.48% मतदान दर्ज किया गया है छत्तीसगढ़ में। ये मतदान का प्रतिशत सामने आ चुका है और ये बताने के लिए काफी है किस तरह का मतदान हुआ है। हालांकि ये भी अब एक सोचने वाली बात है कि मतदान प्रतिशत किस जिले में कम है और किस जिले में ज्यादा है। ये आंकड़े धीरे धीरे सामने आएंगे निर्वाचन आयोग की तरफ से, जैसे जैसे आंकड़े आएंगे वैसे वैसे आप तक हम ये जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन अभी जो जानकारी सामने आई है वो आपसे साझा कर रहे हैं।